साथियों, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। कृषि उपज की एमएसपी मिले, विवादास्पद बिजली संशोधन कानून खत्म हो, आपके सभी जायज संघर्षों में मैं और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज बुलंद करेंगे। राहुल गांधी की ओर से जारी किसानों के लिए एक खास संदेश किसान आंदोलन को नई दिशा दे सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जब तीनों कृषि कानून खत्म करने का ऐलान हुआ तो इस फैसले को लेकर लोग अलग अलग नजरिया पेश करने लगे। कुछ लोगों ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया तो कुछ ने चुनावी हथकंडा। अब इस फैसले को लेकर राहुल गांधी ने किसानों के नाम संदेश जारी किया है और चिट्ठी के जरिए उन्होंने ये संघर्ष अभी खत्म ना होने की बात कही है। इस आंदोलन के साथ उन्होंने एमएसपी, बिजली संशोधन कानून, पेट्रोल डीजल में वृद्धि, किसानों की आय दोगुनी जैसे मुद्दे जोड़ दिए हैं। चिट्ठी के कुछ खास अंश यूं हैं। प्यारे अन्नदाताओं, आपके तप, संघर्ष, बलिदान के दम पर मिली ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई। पौने 12 महीनों से ठिठुरती ठंड, भीषण गर्मी, बरसात, तमाम परेशानियों और जुल्मों के बावजूद तीनों खेती विरोधी कानून का सत्याग्रह जो आपने जीता है उसकी दूसरी मिसाल आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। अब प्रधानमंत्री को अपने वादे के मुताबिक साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें जल्दी से जल्दी भविष्य की योजनाओं का रोड मैप भी जारी करना चाहिए। तीनों कृषि कानून खत्म होने के बाद राहुल गांधी के इस लेटर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकार मान रहे हैं कि इस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए सत्ता की घेराबंदी बरकरार रखने का काम कर सकती है।